लेकिन इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ जी। अगर मैं ना हूँ तो ये बिजली के बारे में बात की जा रही है। अस्मिना को बताया था बिजली के बारे में कि बिजली ना हो तो क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ने से पहले अगर आप इर्द गिर्द का जायजा लें और बताइए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए किस तवानाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन से तवानाई का इस्तेमाल करते हैं हम जी? बरकी तवानाई का। जी हाँ, तवानाई बरकी तवानाई ये बिजली की तवानाई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपन ज़िंदगी में। बिजली का इस्तेमाल किन किन मकासद के लिए करते हैं? बिजली का इस्तेमाल आप किन किन मकसद के लिए करते हैं? बिजली से हम लाइट चलाते हैं, बिजली पंखे चलाते हैं, फ्रिज चलता है हमारे, जनरेटर, और बिजली से हम और बिजली हमारी चार्जिंग लाइट होती हैं, और बिजली से बहुत से काम होते हैं। मशीनें चलती हैं, मोटर चलती हैं हमारी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें बिजली से चलती हैं। सब कुछ बिजली से ही चलता है। अगर बिजली ना हो तो बाकी हमारे सारे काम रुक जाएँ और हम किसी भी काम के ना रहें। जी हाँ, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो मतिया और फरमा बरदार खादमा की तरह हम वक्त आपकी खदमत पेश पर आपकी हुकूमत मुतासर रहती है। मतिया कहते हैं मती यानी कि हुक्म मानने वाली हूँ। मैं ना हूँ तो दुनिया में अंधेरे में दूर डूब जाए, सारा नम धर्म भरम होकर रह जाए, मौसम गर्म लोग गर्मी से बेहार जाएँ और लोग सर्दियों में के आने से के तमन्नाएँ हों। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ बिजली। जी हाँ, बिजली अपनी कहानी सुना रही है अपनी जबानी। जी बताती हैं कि मेरी तारीख ख़ुदाइश तो मुझे याद नहीं है और मेरा मौजूद कौन है ये भी किसी को नहीं पता कि मुझे बनाने वाला कौन था ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन कितना है कि इंसानों की कोशिशों से मैं वजूद में आई हूँ। और कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक कंप्यूटर तक मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ रवा दवा हूँ और काम कर रही हूँ। इसलिए मुझे किसी मौजूद यानी मुझे किसी बनाने वाले के नाम से महसूस करना दुरुस्त नहीं। मेरी जात किन किन लोई कोशिशों के समाधान देखी है, मेरे इजाद में किन किन लोगों का हाथ है वो देखते हैं। मेरा नाम यूनानी जबान में अंबर से लिया गया था। अंबर दरख्त से निकलने वाले गोन के एक पत्ते को कहते हैं। यूनानियों इस बात का फहम था, इस बात का उनको शऊर था या उनको इस बात की था कि अंबर को रगड़ने पर भूसा और तिनके इससे हल्की चीज़ें इस तरफ खींचती हैं। जब अंबर को रगड़ते हैं भूसा और तिनके जैसे हल्की चीज़ पर चिपक जाती हैं, इसलिए उन्होंने बिजली पैदा हुई इसलिए और उसने उसका नाम अंबर रख दिया। 2000 कबल मसीह में थालेस ने मेरे लिए अंबर के इस तरह का इस्तेमाल किया। अतालवी साइंसदान ने कार्डानो ने 1550 में मुझ पर एक और मेरे साथ मकनातीसी कोत पर काबिल जिक्र काम किया। आपको एक दिलचस्प बताऊँ, विलियम गुलबर्ट को जदीद बिजली का बानी समझा था क्योंकि उसने पहली बार मेरे लिए अंबर के बजाय बिजली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी हाँ, विलियम गुलबर्ट ने बिजली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह आपने ड्रामों में फिल्म कहानी में कोई हीरो होता है, इस तरह से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 18वीं सदी में मेरे दरियाफ्त के लिए बेपनाह तजर्बात किए। इन तजर्बात के बायस वो अपने दौर का हीरो बन गया। कौन? अमेरिकी हीरो का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। मेरे मुतालिक बहुत से आलात और सलाहें जैसे चार्ज बैटरी मिसबत मनफी चार्ज कंडक्टर हद तक इलेक्ट्रिशन भी इसी के नाम से मंसूब हैं। मुझसे वाबस्ता एक अहम नाम जेम्स वॉट का भी है। बिजली की ताकत को जो अहम वॉट भी जाहिर करते हैं उसको नाम जेम्स वॉट के एजाज में ही दिया गया था। जी हाँ, ये था कि नाम उस बिजली का नाम रखा गया था जी विलियम गुलबर्ट ने। और उसके बाद 18वीं सदी में मुझसे बहुत तजर्बात हुए, उस तजर्बात की रोशनी में चार्ज बैटरी मिसबत मनफी चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिशन इस तरह के बहुत से चीज़ें मुझसे ईजाद हुई जी। मेरी ज़िंदगी में एक नाम ऐसा भी है अगर जिसका अगर मैं तस्करा ना करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, वो है थामसम सेबक। उसने दो तार को आपस में मिलाने के बाद उस जोड़ को गर्म किया जहाँ दो तारें आपस में मिली हुई थी। उस जोड़ के नतीजे में उसमें करंट पैदा हुआ जिसे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया। जी हाँ, दो तारों को आपस में मिलाने के बाद उसको गर्म किया गया तो उसमें करंट पैदा हुआ, उसको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जी हाँ साथियों, हर इंसान हर दिन बहुत से तजर्बा से गुजर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो गौरफिक्र कर रहा है, तलाश कर रहा है। इंसानी फितरत का हिस्सा है कि वो तलाश में हर वक्त रहता है। इसी उसूल की बिना पर वक्त के साथ साइंसदान ने रोज़ नित नए उलूम से बराबर हो रहे हैं, रोज़ नए नए उलूम जान रहे हैं
उन्हें की बुनियाद पर मेरे मुताबिक बहुत मजीद मालूम हासिल करने के लिए तजर्बात करते रहे। इन तजर्बात की बदौलत मेरे बारे में बहुत कुछ मुफीद मालूम हासिल कर ली हैं। जी हाँ, इंसान रुकना नहीं है, इंसान की तरक्की चल रही है, इंसान काम कर रहा है और अपनी मालूम में तजर्बे की बिना पर अपने मालूम पर इजाफा बहुत कर रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरी बहुत बेहतरीन गुजरगाहें कौन सी हैं, कि बिजली कहाँ से गुजरती है और बिजली कैसे गुजरती है, ये बताएंगे आप? नहीं तो मिसने पर्सन वाली कौन सी बातें, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तमाम ठोस अशियाँ मिसबत और मनफी ज़रात के ज़खीरे हैं। तमाम ठोस कहते हैं वो मुंजमिन चीज़ें जो पिघलती नहीं, वो ठोस ज़राती ज़खीरे हैं जिसे मादे में इन ज़खीरों की बहतात हो मैं उसमें से बआसानी गुजर सकती हूँ। वो तमाम ठोस अशियाँ जो मिसबत हैं मनफी होकर ज़रात जिस मादे में भी हों मैं उसमें आराम से गुजर सकती हूँ। आपने सड़कों के किनारे खंभों पर लटकते तारे देखे ना, कभी देखा ना आपने? ये तारे हमारे घरों के पास भी लगी होती हैं, गली में भी लगी होती हैं, हमारे तारे देखे ना, ये तारे सब तांबे की बनी होती हैं जो मेरी बेहतरीन गुजरगाहें जहाँ मैं आराम से गुजर सकती हूँ। इसके बरक्स लकड़ी रबड़ मट्टी वगैरह से मैं ना गुजरना ना पसंद है मुझे, क्योंकि इनमें मिसबत और मनफी ज़रात के ज़खीरे ना होने के बराबर होते हैं। जी हाँ, रबड़ मट्टी लकड़ी इसमें बिजली नहीं गुजर सकती क्योंकि इसमें मिसबत और मनफी ज़रात कम से कम होते हैं। अच्छी बात और आइंदा भी ऐसी हरकत। अच्छा जी, आप ये पूछ रही हैं हमसे कि आपने कभी नंगी तारों को छुआ है? जो तार नंगे होते हैं कभी उनको छुआ है आपने? तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि उसमें करंट होती है जो इंसान की ज़िंदगी भी ले सकती है। एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, क्या वो ये कि मेरी वजह से चलने वाली रोशनी का कुमकुमा जिसे चलता हुआ रोशनी जो रोशनी देता है यानी कि बिजली का बल्ब। फिर सुने, बाद मादे इतने कमज़ोर होते हैं कि जब मैं उनसे गुजरती हूँ तो बहुत ही मजम्मत करते हैं और गुस्से से भड़क होते हैं, उठते हैं, जिसके नतीजे में वो रोशन हो जाते हैं। उन्हीं में से एक रोशनी वाला कुमकुमा है। जी हाँ, बाज तारों से मैं गुजरता हूँ तो वो उस तारों को नहीं सह पाते और फिर उसमें से रोशनी निकलती है, वो रोशनी ही बिजली का बल्ब बन जाता है। मेरी पैदावार कर दो तरीके हैं, या तो आप कीमियाई अमल करें या फिर रगड़। एक शीशे की सलाख को रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे तो और रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब ले जाएंगे तो वो जल जाएंगे, वो उसे चिमट जाएंगे और वो जल जाएंगे। असल में रगड़ की बदौलत शीशे की सलाख में बिजली की हल्की सी रो पैदा होती है, तो रगड़ के ज़रिए हम मेरी पैदावार होने का एक सादा सा अमल है। लेकिन कीमियाई तरीक़ों से मेरी पैदावार का अमल खासा पेचीदा है। इन दोनों मेरी पैदावार का अमल वसी पैमाने पर जारी है। बिजली घर में जनरेटर के जरिए से बाज मकान पानी के तेज भाव से भी बिजली पैदा की जा रही है। जी हाँ, इसकी पैदा करने के दो तरीके, या तो आप रगड़ से करें या फिर दूसरा कीमियाई अमल। हमारे यहाँ आजकल इतना जदीद हो रहा है तो लोग कीमियाई अमल इस्तेमाल करते हैं और उससे बिजली पैदा कर रहे हैं, बिजली घर में जनरेटर के जरिए, और बाज मकान पानी से भी हम बिजली पाने के तेज भाव से। जी, इसकी बात क्या है, क्या बारिश में जो आप देखते हैं बारिशों में बिजलियाँ चमकती हैं वो सब किस वजह से होती हैं? जो बिजली होती है वो भी यही बिजली है जो हमारे घरों में दिखती है। जी, इसके बाद मैं आखिर में एक काम छोड़ जा रही हूँ आपके लिए कि इंसानियत की खिदमत हम सब का फ़र्ज़ है और बिजली भी यही कर रही है, ठीक है ना? वो इंसानियत की खिदमत कर रही है बिजली पहुँचा कर हमें, ठीक है ना? तो हमें बिजली का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इसका आंसर मुझे आप देंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।